कांग्रेस कर सकती है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान। 17 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में हो सकता है फैसला। चार राज्यों की हार से सबक ले रही है कांग्रेस, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बन रही है रणनीति। कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही है मांग, राहुल गांधी को बनाया जाए पीएम पद का उम्मीदवार। पीएम पद के लिए हाल ही में नंदन निलेकणी का उठा था नाम, कई और नाम पर हो सकती है चर्चा। पीएम उम्मीदवार के लिए एक नाम मीरा कुमार का भी, कांग्रेस ने मीरा कुमार को बनाया था लोकसभा अध्यक्ष। संभावितों में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, रक्षा मंत्री ए के एंटनी और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के भी नाम। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की प्रतिक्रिया, कहा पार्टी नेता चाहते हैं राहुल गांधी बने पीएम उम्मीदवार। पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी लगातार बोल रही है कांग्रेस पर हमला, नाम घोषित करने की दे रही चुनौती। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ेगी कांग्रेस का साथ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके में नहीं होगा गठजोड़, डीएमके चीफ करुणानिधि ने चेन्नई में किया ऐलान। लालू यादव जमानत पर जेल से छूटे, रांची की बिरसा मुंडा जेल में 77 दिन बाद हुए रिहा। चारा घोटाले में लालू को हुई है 5 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लालू को दी थी जमानत। लोकपाल के दायरे में न्यायपालिका को लाने का किया विरोध, कहा ऐसा करना देश के लिए घातक। जेल से निकलने के बाद लालू ने भरी हुंकार, सांप्रदायिक ताकतों को दिल्ली से रखेंगे दूर। सभी देशभर के धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उनके नेता, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि 47 का स्थिति मत होने देना। लालू ने कहा 2014 में देश में होने वाला है सबसे बड़ा दंगल, जनता से की अपील पैदा न होने देना इन 1947 जैसे हालात। मोदी के सवाल पर दहाड़ उठे लालू, कहा लोकसभा चुनाव में सेक्युलर पार्टियां मिलकर देंगी जवाब। मैं प्रार्थना करता हूं कि 47 का स्थिति मत होने देना। मेरा माथा लालू ने कहा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कोई भी कुर्बानी देने को तैयार, जम कर देंगे जवाब। चार राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले लालू, लगी रहती है हार जीत लेकिन इससे खत्म नहीं हो जाती लड़ाई। पार्टी का कोई हार जीत ये लगा रहता है, जो हार और जीत, अच्छा दिन और बुरा दिन, आज हिम्मत नहीं हो रही है जो पार्टियां जीती है दिल्ली जैसे जगह में। लालू ने कहा जेल कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, जेल से ही हुआ था कंस का विध्वंस। जेल हमारा कृष्ण भगवान का जन्मभूमि है, कृष्ण का जन्म बचा हुआ था जेल में और यहीं से कंस का विध्वंस किया था और हम कहीं विचलित नहीं हुए। लालू ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार, मीडिया का भी किया शुक्रिया। सीबीआई पर लालू यादव ने लगाया आरोप, निष्पक्ष होकर नहीं किया काम। तेलंगाना बिल आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश, विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। सीमांध्र के विधायकों ने फाड़ा तेलंगाना बिल, सदन के बाहर जलाई गई बिल की कॉपी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना विचार रखने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा को 23 जनवरी तक का दिया है समय। माफिया से नेता बने अतीक अहमद को सुल्तानपुर से टिकट देने पर यूपी के मुख्यमंत्री की सफाई, कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। मुजफ्फरनगर में बच्चों की मौत पर बोले अखिलेश, कहा सरकार इलाज का करेगी मुकम्मल इंतजाम। लोकपाल के लिए अन्ना को कल तक करना होगा इंतजार, शीशराम ओला को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा में कल पेश होगा लोकपाल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोकपाल बिल पास कराने की कह चुके हैं बात। समाजवादी पार्टी करेगी लोकपाल का विरोध, रामगोपाल यादव ने कहा रोकने के लिए लगा देंगे पूरा जोर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का लोकपाल बिल को पूरा सपोर्ट, कहा बीएसपी नहीं करेगी विरोध। एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा हम बिल का करेंगे समर्थन। लोकपाल पर सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा लोकपाल पर सब तैयार, मना लेंगे समाजवादी पार्टी को। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा जब अन्ना मान गए तो उन्हें भी मान जाना चाहिए।
टालीगढ़ सिद्धि में अन्ना के अनशन का सातवां दिन, अब तक 4 किलो 300 ग्राम वजन घटा चुके हैं अन्ना। अन्ना का ब्लड प्रेशर स्थिर, लेकिन अनशन ने अन्ना को कर दिया कमजोर। अन्ना के समर्थन में रालीगढ़ पहुंचे मुंबई के डब्बे वाले, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को जारी रहेगा उनका सहयोग। यौन शोषण के मामले में जस्टिस गांगुली के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग, जस्टिस गांगुली ने इस्तीफा देने से किया है इंकार। पिछले साल 16 दिसंबर दिल्ली रेप केस के खिलाफ जब उठ खड़ा हुआ था देश, तो उसी दौरान एक होटल में इंटर्न के साथ यौन शोषण का लगा है जस्टिस गांगुली पर आरोप। कोलकाता में मानवाधिकार आयोग के सामने जलाए गए जस्टिस गांगुली का पुतला, प्रधानमंत्री से की गई दखल देने की मांग। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, अगर गांगुली नहीं देते हैं इस्तीफा तो उठ सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से भी की अपील, कहा ऐसा न लगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजों के खिलाफ नहीं कर रहा है कार्रवाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय सिंह ने कहा, इस्तीफा दें गांगुली, गांगुली का समर्थन करने वाले जजों को भी दी नसीहत। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने मांगा गांगुली का इस्तीफा, कहा यौन शोषण के आरोप के बाद मानवाधिकार अध्यक्ष पद पर रहने का हक नहीं। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा, हम पहले दिन से ही कर रहे हैं गांगुली पर कार्रवाई की मांग, पुलिस को आगे बढ़कर करनी चाहिए कार्रवाई। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा की मांग, गांगुली को मिलनी चाहिए उनके जुर्म की सजा। चुरू विधानसभा सीट बीजेपी ने 24,000 वोटों से जीती, बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ बने विधायक। बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद स्थगित हुआ था चुरू का चुनाव, 13 दिसंबर को वोटिंग के बाद आज भी काउंटिंग। राजस्थान और छत्तीसगढ़ फतह करने के बाद वसुंधरा और रमन सिंह दिल्ली पहुंचकर राजनाथ से मिले, दिल्ली जीतने को बताया अगला लक्ष्य। गुजरात दंगों की जांच करने वाले अधिकारियों के वेंकटेशन का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया, जनवरी में खत्म हो रहा था कार्यकाल। मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, महिला आरक्षण विधेयक के विरोध पर महिलाओं में गुस्सा। सोलह दिसंबर गैंगरेप के साल भर बाद भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली, दिल्ली के 1200 से ज्यादा जगहें नहीं है महिलाओं के लिए महफूज। दिल्ली पुलिस का कबूलनामा, अंधेरे में डूबी है दक्षिण दिल्ली की 71 जगहें। साउथ वेस्ट इलाके में 150 जगहों पर अंधेरा, साउथ ईस्ट में 125 जगहें अंधेरे की वजह से खतरनाक। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को लिखी थी चिट्ठी, लेकिन लाइट का इंतजाम अभी तक नहीं। साल भर बीतने के बाद भी सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं सवाल, महिलाओं में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस नहीं जगा सके हैं भरोसा। गृहमंत्री शिंदे ने कहा, लोग हुए जागरूक, इसलिए अब दर्ज हो रहे हैं रेप के ज्यादा मामले। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, तमाम किए गए उपाय, लेकिन एक साल में नहीं आया कोई बदलाव। निर्भया फंड को लेकर भी उठा सवाल, सरकार ने एक रुपया भी नहीं किया खर्च, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने 1000 करोड़ का बनाया था निर्भया फंड। निर्भया फंड के इस्तेमाल नहीं होने पर बोले गृहमंत्री शिंदे, कहा वित्त मंत्रालय से अभी क्लियरेंस मिला, अब जल्द अलॉट हो जाएगा फंड। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, साल भर बाद भी लागू नहीं हुआ एक भी ऐलान, सरकार से उठा जनता का विश्वास। दरिंदगी के शिकार हुई दिल्ली की बहादुर लड़की को आज दिल्ली समेत कई शहरों में दी गई श्रद्धांजलि, मुनीर का बस स्टैंड पर प्रार्थना सभा। दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग गीत गाकर नमाखों के साथ मांगी गई महिलाओं की आजादी। जंतर मंतर पर पीड़ित की याद में अनोखा आयोजन, एक सोच परिवर्तन की ओर कार्यक्रम के जरिए गैंगरेप की घटना के एक साल पूरे होने पर मुरादाबाद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, दिल्ली की बहादुर लड़की को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार ठगों को, यूनेस्को और मानव संसाधन मंत्रालय का अधिकारी बताकर करते थे ठगी।
अहमदाबाद की एक कंपनी से 23 करोड़ रुपए ठगे, दिल्ली की कंपनी को लगाया था 2 करोड़ का चूना। मानव संसाधन मंत्रालय के नाम पर एक कंपनी से की थी 80 करोड़ की डील, मंत्रालय को पता चला तो पुलिस में की शिकायत। गाजियाबाद में बिल्डर को बदमाशों ने सरेआम गोली मारी, बिल्डर की हालत गंभीर। बदमाशों ने बिल्डर की कार पर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। पुलिस ने फरीदाबाद की जेल में एकाएक मारा छापा, 43 मोबाइल फोन और 40 सिम बरामद। पुलिस को शक, जेल कर्मियों की मिली भगत से ही अंदर पहुंचे इतने मोबाइल। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, सिक्योरिटी गार्ड को अधमरा करके 3 लाख का सामान लूट ले गए बदमाश। बेहद इत्मीनान से तीनों ने कंपनी के दफ्तर को लूटा, घटनास्थल पर कई घंटे रहे लुटेरे। बिहार के रोहतास में बारातियों से भरी बस पलटी, घटना में 2 की मौत, 25 लोग घायल। यूपी के अमेठी में राघव राम सेवा संस्था ने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की, 1,21,000 लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने बांटे चेक। यूपी सरकार की ओर से किसानों को दिए गए 22 करोड़ के लोन, राजेश मसाले ने व्यापारियों और किसानों को एक मंच पर किया इकट्ठा। नेक काम में राजेश मसाले ने भी की मदद, गरीबों को बांटे गए कपड़े। दिल्ली एनसीआर में सीजन का पहला घना कोहरा, कोहरे ने रोकी राजधानी की रफ्तार। आज 1971 के पाकिस्तान विजय की 41वीं सालगिरह, अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि। फर्स्ट टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया का शिकंजा मजबूत, चौथे दिन 251 रन पर इंग्लैंड ने खोए 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने रखा है 504 रनों का लक्ष्य। बेल और स्टोक्स ने रोका ऑस्ट्रेलिया का रास्ता, इयान बेल 60 रन पर आउट, 72 रन पर नॉट आउट है स्टोक्स। पीटरसन ने खेली 45 रनों की पारी, कप्तान कुक पहली ही गेंद पर बगैर खाता खोले आउट। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में शेन वॉटसन ने ठोका शानदार शतक, 103 रन पर हुए रन आउट। इंग्लैंड की तरफ से ब्रेसनन और स्टोक्स रहे कामयाब गेंदबाज, 2-2 विकेट लिए। बॉक्सिंग टेस्ट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का खेलना संदिग्ध, पहली पारी में बैटिंग करते वक्त ब्रॉड के पैर में लगी थी जॉनसन की गेंद। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले अनिल कुंबले की जहीर खान को नसीहत, स्पीड से ना करे समझौता, जोहान्सबर्ग में हो सकते हैं मारक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 18 दिसंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट, वनडे सीरीज में 0-2 से हारा था भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे वेस्टइंडीज के स्पिनर शेन, शिलिंगफोर्ड गैरकानूनी एक्शन की वजह से आईसीसी ने कार्रवाई की। संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन में वेस्टइंडीज के पार्ट टाइम स्पिनर मालो सैमवल्स को भी सजा, आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्विकर बॉल करने से रोका। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नायक नेल्सन मंडेला का उनके पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, घर के करीबी लोग मौजूद। अर्जेंटीना के एक कैथोलिक चर्च के पादरी पर 4 बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, चर्च ने पादरी की तरफ से मांगी माफी। बांग्लादेश में अब्दुल कादर मुल्ला की फांसी पर जमात इस्लामी का उग्र प्रदर्शन, हिंसक झड़प में 4 की मौत। चीन के गोइजू प्रांत में भारी बर्फबारी, हाईवे बंद, कामकाज पर बुरा असर। जॉर्डन में भारी बर्फबारी से कई इलाकों में बिगड़े हालात, कई जगहों पर बिजली पानी सप्लाई बंद, यातायात पर भी बुरा असर।